इट्स मच मच बिगर देन पुष्पा वन। भाई सब इस क्लिप को देखने के बाद इजीली पता चल रहा है कि पुष्पा दरुल किस नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अब वो मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जो बोल रहे हैं ना कि ये बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द ईयर होने वाली है, ये होने वाली है, वो होने वाली है। भाई साहब आप लीड एक्ट्रेसेस के वर्ड आप सुन चुके हैं जहां पर वो क्या बोल रहे हैं, एक बार अपन सुन ले तो थोड़ा सा अगेन। It's much much bigger than Pushpa One. मतलब आप समझ रहे हैं, कल रात में जब मैंने क्लाइमेक्स का वीडियो बनाया था वहां पर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बोला था कि ये जो मूवी होने वाली है पुष्पा पार्ट वन से 1000 गुना बड़ी होने वाली है। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन के मामले में, सिनेमेटिक ग्राफिक्स के मामले में, एक्शन सीक्वेंस के मामले में, इमोशंस के मामले में, और मल्टीपल न्यू कास्ट देखने को मिलने वाली, और उन मल्टीपल कास्ट का एक बड़ा सा रिवेंज आपको पुष्पा द रोल में दिखाई देने वाला है। हाँ तो गाइस हुआ कुछ ऐसा, अपनी नेशनल क्रश यानी कि रश्मिका मंदाना एक शो में गए हुए थे, क्या नाम उसका, तेलुगु इंडियन आइडल सीजन 3, वहां पर गए हुए तो जो एंकर होते हैं उन्होंने पूछ लिया कि भाई कैसी क्या होने वाली है पुष्पा टू, किस टाइप का होने वाला है। तो रश्मिका मंदाना ने यह कहा है पुष्पा द रूल बिगर देन पुष्पा पार्ट वन, और ये एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ, मतलब कि देखने को नहीं मिला। ये जो एपिसोड रिलीज किया जाएगा मतलब कि टेलीविजन पर देखने को मिलेगा 2nd या 3rd अगस्त यानी कि कल या परसों अपने को ये मतलब कि ये एपिसोड देखने को मिलेगा। काफी लोग मुझे काफी दिनों से बोल रहे हैं कि हर्ष भाई इतना भी हैवी मूवी नहीं होने वाला, इतना भी मजबूत नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगेन मैं आप लोगों को वॉर्न कर रहा हूं, मतलब कि जो पुष्पा मूवी के अगेंस्ट हैं, जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर को ट्रोल कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताता चलूं भाई साहब ये मूवी है ना नेक्स्ट लेवल होने वाली है। जिस तरह कल की 2898 AD 2024 के नाम से जाना जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह पुष्पा दा रूल होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है अपने प्रभास अन्ना सर अल्लू अर्जुन सर 2024 के नाम से जाने वाले, क्योंकि उनका जो वोट है बिल्कुल उसी तरह कल की 2898 AD अभी थिएटर में चल रही है और जोरदार लेवल पे चल रही है, और दिसंबर मंथ में अपने आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर पुष्पा दा रूल के साथ चलने वाले। भाई साहब ये जो वर्ड्स है ना भाई, छोटे वर्ड्स नहीं है ये, मतलब बनता है भाई 4 साल 5 साल अगर कोई दे रहा अपनी मूवियों के लिए तो भाई छोटा मोटा प्लान नहीं किया। बिल्कुल डायरेक्टर SS राजामौली सर ने भी प्रभास अन्ना सर को बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन के साथ भाई सब लपेट के रख रखा था, और जब डायरेक्टर इस तरह से लपेटते हैं मतलब कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत मजबूत आता है, इंडियन सिनेमा में काफी इंपैक्टफुल कंटेंट देखने को मिलता है। भाई अब तो ट्रेलर ले आओ, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कब शेयर करने वाले हो। वैसे आप लोग बताओ आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो पुष्पा द रूल के लिए, और क्या लगता है नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना के इन वर्ड्स के बारे में, सॉरी हेवी वर्ड्स के बारे में, अपने ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।